ये पत्र राजकुमार अर्जुन तक वर्णाव्रत में पहुंचा दो। ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को पता ना चले और ये किसी के हाथ ना लगे। जी। जो अंदर दबा था बाहर आ ही गया। इस गमले में से अंकुर और मेरे दिल में से मेरी भावनाएं। महारानी जी, राजकुमारी जी की बहुत चिंता हो रही है हमें। हाँ अर्जुन, बहुत परेशान हूं मैं। परेशान से बढ़ के दुविधा में हूँ। अपने दिल को मनाने का बहुत प्रयत्न किया कि दो पक्ष है, एक हमारा एक शत्रुओं का, पर नहीं मान रहा। अपने आप से झूठ बोला, अपनी भावनाओं को छला, पर तुम्हें नहीं छल सकती अर्जुन। आज स्वीकार करती हूँ, मैं कर्ण की ओर आकर्षित हूँ। जानती हूँ तुम्हें कर्ण पसंद है, ये भी जानती हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल और तुम्हारी आस दोनों तोड़ रही हूँ। पर अब समय आ गया है सब कुछ स्पष्ट कहने का। तुम्हें अपने मित्र से बढ़ के किसी और रूप में कभी देख ना पाई मैं अर्जुन। कभी तुम्हारे लिए वो भावना दिल में आई ही नहीं जो कर्ण के लिए बिना निमंत्रण दिए ही आ गई। अर्जुन, उसे जब पहली बार देखा था तभी खिंचाव का अनुभव हुआ, कुछ ऐसा जो जीवन में कभी किसी के लिए ना हुआ। उसकी हंसी में जैसे मेरी हंसी छुपी है, उसे लगने वाली हर चोट मेरी दर्द, उसके मन में मेरा मन, अपमान में मेरा अपमान। नहीं जानती क्या हो रहा है मुझे अर्जुन, तुमसे मिलना चाहती हूँ, यही सब समझना है। द्वादशी को मुझे भिक्षा की सीमा पर वहाँ मिलने आना जहाँ रजनीगंधा के पुष्प खिलते हैं। तुम्हारी मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। आज स्वीकार करती हूँ, मैं कर्ण की ओर आकर्षित हूँ। ध्यान रहे कि कहीं अंगारों वाली राह न चुन ले, कहीं अपना भाग्य ऐसे व्यक्ति से न जोड़ ले जिसका जन्म ही दुर्भाग्य से हुआ हो। नहीं उर्वी, मैं तुम्हें अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी। राजकुमारी उर्वी का संदेशा ले जाने के लिए तैयार रहो और उर्वी का प्रत्येक पत्र तुम मुझ तक पहुंचाओगी। जी महारानी जी। ये पत्र तुम लेकर जाओगे, किंतु वर्णव्रत नहीं, हस्तिनापुर। अर्जुन को नहीं, कर्ण को देने। और साथ में ये भेंट भी उर्वी की कर्ण को दी हुई पहली और अंतिम भेंट। अब हमें एक पत्र अर्जुन को भी लिखना पड़ेगा ताकि उर्वी को बिल्कुल भी ना भनक पड़े जो हमने किया है।
हमने अपना समूचा जीवन आपकी सेवा में बिताया। अब आपके जाने के बाद ये सारथी कभी रथ नहीं चला पाएगा। अधिरथ, आपने जो हमारी सेवा की उसके लिए हम सदा ही आपके आभारी हैं। तो अब आपके विश्राम का समय आ गया है। सौभाग्य है आपका ये कि आपको आपको कर्ण जैसा एक योग्य पुत्र मिला। आप सदा ही उस पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा। जी महारानी। भीष्म पितामह के निर्णय का सम्मान करते हुए कुंती मां पांचों पांडवों समेत हस्तिनापुर और अपने अवैध पुत्र कर्ण को छोड़ भारी मन से वर्णव्रत जाने के लिए रवाना हुई। इस बात से अनभिज्ञ कि मामा शकुनी कुंती और पांचों पांडवों को समाप्त करने का एक गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं। क्षमा करें मामा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि चौसर के खानों के बाहर आप और भी कोई खेल खेल रहे हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध ना हो। मामा जी, आप कृपया ऐसा कुछ ना कीजिएगा जिससे वीर दुर्योधन की कीर्ति पर कलंक लगा जाए। कूटनीति राजनीति की बेटी है, अब मां बेटी को तो अलग नहीं कर सकते। नए नए राजा बने हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। कहीं राजकुमारी जी को ये ना पता चल जाए कि ये पत्र मैं राजकुमार अर्जुन के लिए नहीं, अंगराज कर्ण के लिए ले जा रही हूँ। इतनी गुपचुप अर्जुन को मेरा संदेश देने जा रही हो ना? पर इतनी देर हो गई है, अब तक तुम गई क्यों नहीं? अब तक तो तुम्हें चले जाना चाहिए था ना? हाँ, हम हकलाना बंद करो और जल्दी चले जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। जी। जाओ। हाँ, हम चलते हैं राजकुमारी जी, वरना और देर हो जाएगी। रुको, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उस ओर मुख्य द्वार है, वर्णाव्रत जाने का रास्ता तो वो है। हाँ, हम भी ना भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। हम वर्णव्रत के रास्ते वाले द्वार से जाते हैं। आशा करती हूँ अर्जुन ये पत्र पढ़कर क्रोधित नहीं होगा और मेरी बात समझेगा। दूसरा संदेशा किसका है? देखो, यह दूसरा संदेशा अंगराज के लिए पुकिया की राजकुमारी उर्वी की ओर से। हाँ मित्रगण, और केवल पत्र ही नहीं, देखता है सुंदर उपहार भी आया है साथ में।
इतने अचंभित क्यों होते हो अंगराज? वीर हो, अंग देश के राजा हो, वो दिखने में भी अच्छे हो, तो कुंवारी राजकुमारियां प्रेम पत्र और उपहार क्यों नहीं भेज सकती है? बधाई हो मित्रकर्ण, तुमने अर्जुन से उसकी संगनी छीनी। दुशासन, मामा जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरे और राजकुमारी के बीच में ऐसा कुछ नहीं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि एक स्त्री के चरित्र पर ऐसे छींटे उछाली जाए। लग गई ना, रखिए इसे, रखिए। एक तो इतनी कोमल सी है आप, फिर भी इस सुई को लेकर आपको इतनी मेहनत करनी होती है ना। आपको किसी भी तरह का दर्द देने वाली कोई भी काम मुझे बिल्कुल नहीं भाता। मेरी औषधि ले आओ। तो कर्ण ने पत्र पढ़ लिया होगा, मेरी योजना सफल हो गई। मुझे भी नहीं भाता उर्वी कि तू कुछ करे और तुझे पीड़ पहुंचे। आपसे कुछ पूछ सकती हूं मां? अगर भविष्य में आपके विरुद्ध जाके मैं कुछ करूं तो आप मुझे माफ कर पाएंगे? तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं भी एक प्रश्न करना चाहूंगी। अगर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाकर के हम कुछ करें तो तुम हमें समझोगे? एक माँ अपनी संतान के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाह सकती। आप जो भी करेंगी मुझे पता होगा कि उसमें कहीं ना कहीं मेरी भलाई ही होगी। एक माँ कभी कभी शहद से मीठी तो औषधि जैसी कड़वी होती है। उसका स्वाद मैं समझ पाऊं या ना पाऊं, होगा तो मेरा भलाई ना। तुम्हारे इसी उत्तर में हमारा उत्तर भी है उर्वी। अगर तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया तो उस कार्य में तुम्हारा बुरा ही होगा, इसलिए तो हमारी ना होगी उस कार्य के लिए। चलो अब हमें काम करना है, बेटी के शगुन की तैयारियां करनी है। इसकी तो पीड़ भी मीठी। आशा करती हूँ कि अर्जुन तक मेरी चिट्ठी पहुंच गई होगी। मुझे अर्जुन को मिलना ही होगा। अच्छा अंगराज, एक बात बताइए, यदि ऐसा कुछ है ही नहीं तो ये प्रेम पत्र और ये उपहार आपको क्यों भेजा गया? ये मैं नहीं जानता। अच्छा, तो जानिए ना, हमारी भी जिज्ञासा बढ़ रही है। और ऊंचे स्वर में पढ़िए, हमें भी तो अच्छे से सुनाई दे। पढ़िए पढ़िए, जाइए लीजिए और पढ़िए सुनाइए। क्षमा करें मामा जी, किंतु मैं ये नहीं करूंगा। इसे पत्र लिखने वाले की भावनाओं और विश्वास को चोट पहुंच सकती है। मेरे प्रिय भांजे के प्रिय मित्र अंगराज, आपने तो कहा था कि राजकुमारी उर्वी दूसरे पक्ष की है, और यदि दूसरे पक्ष से आया कोई भी संदेश, सूचना या समाचार आप हमसे छिपाएंगे
तो आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह स्वयं ही लग जाएगा। है ना दुशासन? अवश्य। जाइए अंगराज, जाइए। क्या करूं? यदि मैं उनके सामने पत्र पढ़ूंगा तो उर्वी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और यदि नहीं पढ़ूंगा तो शकुनी मामा सोचेंगी कि मेरा और उर्वी का कोई संबंध है, और ये मेरे मित्र दुर्योधन के साथ गद्दारी होगी। हे अंगना ऋषिकर्ण, आपका दिया राज कमल अत्यंत सुंदर था, कभी ना मुरझाने वाला। सच यही है कि कमल कीचड़ में ही उगता है, और उसे पाने जाए तो हाथ भी कीचड़ में सन ही जाते हैं। बिल्कुल आपकी तरह अंग नरेश, आप चाहे बाहर से कितने ही महान दिखें, ये सत्य नहीं बदल सकते कि आपका जन्म भी कीचड़ में ही हुआ था। आपके भाग्य में यही लिखा है, जो भी जिस भी कारण से आपके संपर्क में आएगा आप उसे मैला करेंगे ही करेंगे। जैसे आपके साथ तनिक हंसने बोलने पे हमारे ऊपर भी कीचड़ लगी गया। बस कर्ण, आगे ना बढ़े। एक सूत पुत्र का किसी राजकुमारी को भेंट देना, उस सूत पुत्र का अपनी मर्यादा और अपना स्थान भूल जाना कहलाता है कर्ण। कर्ण, यह मेरी भूल नहीं कि मैंने मानवता दिखाई और आपने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। आपका दिया राजकमल मुझे हर बार याद दिलाता है कि मैंने आपकी सहायता की, अपनी प्रतिष्ठा को कितनी हानि पहुंचाई है। धरती की धूल को मान देकर माथे पे लगाया तो भी वो आंखों में गिरती ही है। स्वभाव नहीं बदलता, मैं अर्जुन की हूं और हमेशा रहूंगी। सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन की, और आप उनसे अपनी तुलना करने की भूल करना छोड़ दें। आपका उपहार आपको लौटा रही हूं। एक सूत पुत्र का किसी राजकुमारी को कोई भेंट देना, जो सूत पुत्र का अपनी मर्यादा और अपना स्थान भूल जाना कहलाता है कर्ण। विशेष कमल कभी ना मुरझाने वाला, और मैं हमेशा ये प्रार्थना करूंगा कि आपका भाग्य, आपकी हंसी और आपका सुख इस कमल की तरह कभी भी ना मुरझाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।